प्रिय दर्शकों, जय माता दी। मैं ब्रिजभूषण शास्त्री लेकर आया हूँ मेष राशि से मीन राशि तक का राशिफल। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। आज आपका बचत पर जोर रहेगा, आर्थिक मजबूती बढ़ेगी, शुभ सूचना मिलेगी, आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे, महत्वपूर्ण वार्ता सफल रहेगी, परिजन आपके सहयोगी रहेंगे, व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा रहेगा, घर में सुख सौख्य रहेगा, जीवन स्तर में सुधार होगा, अतिथि आगमन बना रह सकता है। आज आपका भाग्यांक रहेगा 3 और 9, शुभ रंग रहेगा रेड रोज। और आज का उपाय है अपने बड़े भाई के विचारों का सम्मान करने और उनकी बात मानने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। उसके बाद हम बात करते हैं वृक्ष राशि के जातकों की। इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे, चहुं और शुभता का संचार होगा, वाणी व्यवहार में मधुरता रहेगी, दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी, महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, चहुं और शुभता का संचार रहेगा, वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा, आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी। आज आपका शुभ अंक रहेगा 3, 5 और 6 और शुभ रंग रहेगा लाल गुड़हल। आज का उपाय भगवान में आस्था, सत्संगति और मानसिक हिंसा न करने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। बजट पर नियंत्रण बनाए रखने का समय है, श्रेष्ठ जनों का सहयोग रहेगा, विपक्ष से सतर्क रहें, निवेश के प्रयासों में सक्रियता आएगी, करियर कारोबार पूर्ववत बना रहेगा, आकस्मिक परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं, रिश्तेदारों का समर्थन रहेगा। आज आपका शुभ अंक रहेगा 3, 5 और 6 और शुभ रंग रहेगा फिरोजी। आज का उपाय अच्छा व्यक्तित्व बढ़ाने के लिए सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करें। उसके बाद हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। समय अच्छे लाभ का बना हुआ है, महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरे करेंगे, शासन के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, प्रशासनिक पक्ष बेहतर रहेगा, सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे, प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे, सभी सहयोगी प्रभावित होंगे, बड़े लक्ष्य साधने की कोशिश रहेगी, कामकाजी अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे और परिजनों से भेंट होगी। आज आपका शुभ अंक रहेगा 2 और 3, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। आज का उपाय घर से निकलते समय शहद का प्रयोग करने से शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल होंगे, संतुलन बनाए रखेंगे, संसाधन बढ़ाएंगे, सफल रहेंगे, योग्यता प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे, लगन से लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा, सामाजिक मामलों को बल मिलेगा और उपलब्धियां हासिल करेंगे। आज आपका शुभ अंक रहेगा 3, 5 और 6 और शुभ रंग रहेगा बरगंडी रेड। आज का उपाय तिल व सतनजा किसी धार्मिक स्थान में दान करने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। भाग्य बल से योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, कार्य कुशलता बढ़ेगी, काम काज पर फोकस बढ़ाएंगे, श्रेष्ठ प्रयासों से सभी को प्रभावित कर सकेंगे, महत्वपूर्ण लक्ष्य साधेंगे, लाभ बढ़ाने में सफल रहेंगे, सभी को जोड़ने में कामयाब रहोगे, धर्म आस्था और अध्यात्म के बल मिलेगा, मनोरंजक कार्यों में शामिल होंगे, आय अच्छी रहेगी, उच्च शिक्षा की ओर जोर रहेगा। आज आपका शुभ अंक रहेगा 3, 5 और 6, शुभ रंग रहेगा समुद्री। आज का उपाय गणेश चालीसा व आरती पाठ करने से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। करीबियों का साथ व सहयोग बना रहेगा, अनुशासन अपनाएंगे, करियर कारोबार में जोखिम न उठाएं, स्वास्थ्य समस्याओं में
लापरवाही न बरतें, व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें, सामान्य लाभ और परिणाम बने रहेंगे, परिवार में सुख और सौख्य बना रहेगा और परिजनों के संग समय बिताएंगे। आज आपका शुभ अंक रहेगा 5 और 6 और शुभ रंग रहेगा रॉयल ब्लू। आज का उपाय, चांदी का कड़ा डालने से प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। साझेदारी के कार्यों को समय पर पूरा करेंगे, अवसरों का भरपूर लाभ उठाएंगे, निजी जीवन खुशहाल रहेगा, उद्योग व्यापार में आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, महत्वपूर्ण मामलों में सफल होंगे, इच्छित सफलता की संभावना बनी रहेगी, नेतृत्व और प्रबंधन संवारोगे। आज आपका शुभ अंक रहेगा 3, 6 और 9 और शुभ रंग रहेगा गहरा गुलाबी। आज का उपाय, कच्चे कोयले धोबी को दान करने से लव लाइफ अच्छी चलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। काम काज में फोकस बनाए रखेंगे, उम्मीद के अनुरूप परिणाम मिलेंगे, पुराने रोग उभर सकते हैं, सेवा क्षेत्र से जुड़े जन अच्छा प्रदर्शन करेंगे, विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी, जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, पेशेवर कार्यों में स्पष्टता बढ़ाएंगे, नए लोगों पर अत्यधिक भरोसा न करें, जल्द प्रतिक्रिया न दें तार्किकता पर जोर दें। आज आपका शुभ रंग अंक रहेगा 3 और 6, शुभ रंग रहेगा पिंच कलर। आज का उपाय, मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए पलंग के चारों पांवों पर सोने या तांबे की कील लगवाएं। उसके बाद हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। विषयगत समझ बेहतर होगी, अध्ययन अध्यापन में आगे रहेंगे, मित्रों का साथ सहयोग बना रहेगा, करियर कारोबार आगे बढ़ेंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, उचित अवसर भुनाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, चहुं ओर सक्रियता दिखाएंगे, भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे, वातावरण में अनुकूल उत्साहित रखेगा, परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि दिखाएंगे। आज आपका शुभ अंक रहेगा 5, 6 और 9। आज आपका शुभ रंग रहेगा नीलम। आज का उपाय, केतु यंत्र को घर में स्थापित कर पूजा करने से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। घरेलू मामलों में अनुभवियों से सीख सलाह रखें, वरिष्ठों का आदर सम्मान करें, भवन वाहन के मामले संवरेंगे, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी, सुविधाओं पर फोकस बना रहेगा, अपनों को अनदेखा न करें, पारिवारिक मामलों में सहजता से काम लेंगे और स्वजनों से करीबी बढ़ेगी। आज आपका शुभ अंक रहेगा 3, 5 और 6 और शुभ रंग रहेगा नीला। आज का उपाय, घर में सफेद सुगंधित पुष्प लगाकर उनकी देखभाल करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। सामाजिक व्यवहार प्रभावशाली रहेगा, वाणिज्यिक गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे, आत्मविश्वास को बल मिलेगा, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का समय है, संपर्क का दायरा बड़ा होगा, शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा, भव्य आयोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा, कार्य और व्यापार बना रहेगा और संवाद में बेहतर करेंगे। आज आपका शुभ अंक रहेगा 3, 6 और 9। आज आपका शुभ रंग रहेगा सनराइज। आज का उपाय, आज अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए बहन बुआ व मौसी की सेवा करें व उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आज आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।